नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे कई सारे लोग अपनी अपनी ओर से कई सारे दावे कर रहे हैं। इसमें अब जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने राजद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद के लिए ये आखिरी विधानसभा का चुनाव होगा। अली अशरफ फातमी ने ये कहा कि राजद अब गलत नीतियों पर चल रहा है, ये पहले वाला राजद नहीं रहा। अब राजद में बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं जो राजद को गलत तरीके से चला रहे हैं और इसीलिए कई सारे लोगों को पार्टी से निकाला जा रहा है। दरअसल राजद ने बीते दिनों अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया, जिसमें फराज फातमी का नाम भी शामिल है। अली अशरफ फातमी ने कहा कि सामाजिक न्याय के रास्ते से राजद पूरी तरह भटक गया है। राजद अकलियतों को अपना गुलाम समझता है, बंधुआ मजदूर समझता है। यही वजह है कि इस बार का चुनाव शायद राजद के लिए अंतिम चुनाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि राजद ने विधायक डॉक्टर फराज फातमी को बिना नोटिस के 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 5 MLC राजद को छोड़कर जदयू में शामिल हुए, उसके बाद 3 MLA राजद छोड़कर चले गए, लेकिन फराज फातमी अपनी पार्टी के साथ बने रहे। बावजूद इसके उन्हें बिना नोटिस के पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले मुझे पार्टी से निकाला गया, अब फराज को। उन्होंने ये भी कहा कि राजद पहले भी बहुत गलती कर चुका है और अब ये खेल लंबा चलने वाला नहीं है। पैसा लेकर मुसलमानों को राज्यसभा व विधानसभा भेजा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजद ने अच्छे लोगों को पार्टी से दरकिनार कर दिया है और इस चुनाव में और लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि किसी के इशारे पर अकलियतों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पहले मुझे, उसके बाद शकील साहब को हटाया गया। इतना ही नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को जानबूझकर हराया गया। इन सब के साथ अली अशरफ फातमी ने नीतीश कुमार की तारीफ की और ये भी कहा कि जो लोग मुझे अच्छा मानते हैं या फिर जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिन्हें मैं अच्छा लगता हूं, उन लोगों से अपील है कि एक बार फिर से बिहार में अच्छी सरकार चुने। कहने का मतलब साफ है, अच्छी सरकार मतलब नीतीश कुमार को एक बार फिर से चुने। तो अली अशरफ फातमी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। ये बताया गया है कि राजद अब वो वाला राजद नहीं रहा जो पहले था और अब राजद में कई सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो राजद को गलत तरीके से चला रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।